जय श्री हरि। मैं राम दुबे आज सफला एकादशी के दिन आपके सामने सफला एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। प्रस्तुत है आपके सामने सफला एकादशी व्रत कथा। एक थे राजा माहिष्मति। उनके 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही अधर्मी था। वह सदा नीच कर्म करता था। शास्त्रों में जो भी पाप कर्म बताए गए हैं वह उन सभी में लिप्त रहता था। धर्मात्मा राजा अपने पुत्र के स्वभाव एवं व्यवहार से अत्यंत दुखी था। पुत्र के इस नीच कर्म को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर देश त्यागने का आदेश दिया। पिता द्वारा अधिकार से वंचित किए जाने एवं देश से बाहर निकाले दिए जाने पर लुम्भक धनहीन हो गया। जीवन की रक्षा के लिए तब लुम्भक ने राज्य में चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन कोतवालों ने उसे चोरी करते पकड़ लिया और राजा के समक्ष ले जाने लगे। तब उसने अपने आप को राजकुमार बताया, जिससे सैनिकों ने लुम्भक को मुक्त कर दिया। अब लुम्भक जंगल में कंदमूल फल एवं पशु पक्षियों के मांस पर आश्रित रहने लगा। सौभाग्य से माघ महीने कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला और वह यूं ही सो गया। लेकिन भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सर्दी का समय था, उसका शरीर ठंड से अकड़ गया था और वह अचेत हो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तब दिन में दोपहर गुजर चुके थे। वह जल्दी जल्दी कंदमूल इकट्ठा करने निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि अगर आज रात भी भूखा रहना पड़ा तो मृत्यु निश्चित है। कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते हुए कैसे सांझ हो गई पता भी नहीं चला। जब वह अपने आश्रयदाता पीपल वृक्ष के पास पहुंचा तब काफ़ी रात हो गई थी और वह काफ़ी थक भी गया था। इस स्थिति में उसने इकट्ठा किए गए फल आदि को पीपल की जड़ में रख कर विष्णु का नाम लेकर सो गया। लेकिन ठंड ने उसे इस रात भी सोने नहीं दिया। सुबह आकाशवाणी हुई कि तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है, जिसके पुण्य से तुम राजा बनोगे और पुत्र सुख प्राप्त करोगे। इस घटना के पश्चात जंगल के जीवन से जब लुम्भक दुर्बल होता जा रहा था तो उसके मन में फिर से चोरी करने का विचार आया। वह शहर की ओर चल पड़ा। संयोग की बात है कि वह जिस घर में प्रवेश किया उसमें एक साधु रहता था। साधु के घर में उसने कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसकी आहट से साधु की नींद खुल गई और उसने उसे भोजन कराया और प्यार से बातें की। साधु की बातों एवं व्यवहार से प्रभावित होकर लुम्भक साधु के साथ ही रहने लगा। साधु की संगत और संस्कार ने उसके विचार और व्यवहार को बदल दिया। वह सदाचारी बन गया। राजकुमार का स्वभाव जब परिवर्तित हो गया तब उस साधु ने बताया कि वह साधु और कोई नहीं, स्वयं उसका पिता राजा माहिष्मति है। माहिष्मति ने जब लुम्भक को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वह कई वर्षों तक धर्मानुसार शासन करता हुआ एक दिन अपने पुत्र को राज सौंप कर संन्यास ग्रहण कर श्री हरि की भक्ति में लीन हो गया और मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त किया। जय श्री हरि।